हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली क्लास में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा फ्लावर पॉट बनाना सीखेंगे। एक बास्केट जिसमें कुछ फूल है और कुछ पत्ती है। तो सबसे पहले जो क्रेन कलर है, क्रेन कलर से ड्रॉ करेंगे। टाइल्स के ऊपर यदि बना रहे तो क्रेन कलर यूज़ करेंगे, यदि कोई प्लास्टर की जगह पर यूज़ कर रहे तो वहाँ पर हम चॉक से या पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो ये क्रेन कलर जो हम टाइल्स पे हम ड्रॉ करते हैं तो आसानी से मिट जाता है। यदि मिटाने में तकलीफ है तो इसके ऊपर थोड़ा सा और कोई भी वाइट रंगोली डाल दीजिए, एक कपड़े से पोंछ दीजिए तो वो बराबर निकल जाता है एकदम क्लियरली। हमने कुछ फूल, एक बास्केट, कुछ पत्ती बनाए। यहाँ पर प्लेट में हमारे कुछ कलर है, येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, और डार्क ग्रीन कलर में हम थोड़ा सा ब्लैक मिला के और थोड़ा डार्क किए। तो पत्ती के साइड में, एक साइड में डार्क करेंगे और एक साइड में लाइट करेंगे। तो पत्ती की एक साइड में डार्क कलर से डार्क जाना है और येलो कलर से, एक साइड में येलो कलर से थोड़ा सा ग्रीन तक आना है। जैसे बीच में से पहले येलो, येलो के बाद थोड़ा सा जो लाइट ग्रीन के साथ मिक्स करके थोड़ा सा लाइट डालना है और उसके बाद लाइट ग्रीन, उसके बाद कॉटन बर्ड से इनको फिनिशिंग करेंगे और उनका जो एक बारीक पत्ती का शेप है ऊपर, वो बारीक शेप करेंगे। तो इस प्रकार के सुंदर सा पत्ती बनते जाएगा। और जहाँ पे भी कॉटन बर्ड नहीं जाता वैसे जगह पे जो पेंसिल है, पेंसिल से हम वहाँ पर शार्प करेंगे। तो ये जो डार्क ग्रीन कलर था तो वहाँ पर थोड़ा सा जो ब्लैक मिला के एकदम डार्क किए तो वो डार्क भी यूज़ करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा और डार्क यूज़ किए। तो ये जितना डार्क जगह पे जितना डार्क करेंगे उतना ही जो रंगोली है वो उठ के दिखेगा और ज़्यादा असरदार दिखेगा। और फिर कॉटन बर्ड से इनको फिनिशिंग कर देंगे और इस प्रकार के सभी पत्ती बना लेंगे। और जो फूल के बीच में जो जगह खाली बचा था वहाँ पर डार्क ग्रीन कलर में थोड़ा सा जो ब्लैक मिलेगा और डार्क किया तो वो कलर भर देंगे। अभी तीन फूल में आप चाहे तो एक ही कलर भर सकते हैं या अलग अलग कलर भर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर तीनों फूल में अलग अलग कलर भरेंगे, इससे हम अलग अलग शेड भी सीखेंगे। तो जैसे बीच में, फूल के बीच में हमने येलो रंगोली भर दिए, येलो के साथ थोड़ा सा ब्लैक और रेड मिला के थोड़ा सा डार्क किए और वह थोड़ा सा हाफ सर्कल बनाए। अब जिससे रेड का शेड बनाना है तो पहले रेड, ऑरेंज और ऑरेंज के साथ थोड़ा सा येलो मिलाए। तो सबसे पहले रेड, उसके बाद येलो, रेड, ऑरेंज और येलो, तो इनको थोड़ा सा मिक्स करते करते जाने जाएंगे ताकि थोड़ा सा ब्लेंड दिखे, एकदम गैप गैप ना दिखे। जब हम प्लेट में कलर मिक्स करते हैं तो वो शेड बन जाता है। तो वही शेड उठाना है और वहाँ पर भरना है। जैसे रेड भरे, रेड के साथ में थोड़ा सा ऑरेंज मिला हुआ जो कलर था वही उठाना है और ऑरेंज के साथ हम जो येलो रंगोली मिलाए थे वो, तीन शेड यूज़ करना है। और रेड कलर में ब्लैक मिला के थोड़ा सा डार्क ब्राउन किए थे और उससे आउटलाइन किए और जो जो पेटल है फूल के इसके साइड, इसके बीच में दो दो रेशा दिए। तो इस प्रकार के सुंदर सा रेड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन में एक फूल बना। चाहे तो आप तीनों कलर, तीनों फूल में यही कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शेड सीखने के लिए यहाँ पर थोड़ा तो वाइट फूल के टच देंगे। तो जैसे वाइट कोई भी फूल बनाना है तो वहाँ पर जो ब्लू कलर का टच होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ब्लू कलर डायरेक्ट यूज़ ना करती है, ब्लू और वाइट मिला के एक शेड बनाए थे। पहले वो कलर भरे, उसके बाद बीच में थोड़ा सा जो वाइट रंगोले वो भरे। ब्लू कलर में ब्लैक कलर मिला के थोड़ा डार्क कलर बनाए थे, उससे आउटलाइन किए और कुछ जो रेशा है पेटल के अंदर, दो दो रेशा, वो रेशा दिए।
तो इस प्रकार दूसरा फूल बन गया। तीसरा फूल में या पर डायरेक्ट हम कलर भर सकते हैं, यदि हमारे पास शेड बना भी नहीं है तो डायरेक्ट हमने लाइट पिंक कलर भरे, उसके अंदर थोड़ा सा वाइट भरे, फिर जो कत्था कलर बना था पहले फूल में बनाए थे वही कलर यहाँ पर आउटलाइन के लिए यूज़ किए, जो रेड के साथ ब्लैक मिला के बनाए थे। तो यहाँ पर थोड़ा शेड कम दिख रहे हैं, इसलिए जो रेड कलर है वो रेड कलर बाहर के साइड में थोड़ा सा रेड कलर दे देंगे, तो वो भले ही वहाँ पर मिक्स नहीं हुआ फिर भी वो शेड दिख रहे हैं। तो इस प्रकार के तीन फूल बना लिए। और नीचे में जो बास्केट बनाना है, जो पॉट बनाना है, तो जो हम कल का जो वीडियो में हम जो कलर्स बनाए थे कॉपर कलर इफेक्ट वही कलर है, लेक कलर। यदि आपके पास लेक कलर नहीं है तो जो भी कलर है ब्राउन कलर, वहाँ पर आप एक ब्लैक मिला के थोड़ा डार्क कर लीजिए और वाइट मिला के थोड़ा सा लाइट कर लीजिए। तो पहले डार्क से इस प्रकार के बनाना है हाफ सर्कल, उसके बाद थोड़ा लाइट कलर भरना है उसके अंदर, और उसके बाद जो सफ़ेद एकदम लाइट कलर वो कलर इस प्रकार भरना है। तो इस प्रकार के जो बुनाई है, जो रस्सी का बुनाई, वो इस प्रकार के टेक्चर दिखाना है, तो इस प्रकार के टेक्चर बनाता बनेगा। ये आसान है, जब हम बनाएंगे जब देखेंगे तब ये आसान लगेगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन के दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आता है वो बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से मेरे आने वाला हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आप मेरे चैनल से शेयर से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं, कंपटीशन के लिए बहुत सारे रंगोली लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं और एक सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।